वेलकम टू फिल्मी फैक्टर। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर की लिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और हमेशा की तरह इस साल भी डिजर्विंग टैलेंट को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। दरअसल ये अवार्ड्स 2019 में रिलीज हुई फिल्मों के हैं और ये सेरेमनी होने वाली थी 2020 में, लेकिन कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते ये विनर्स के नाम इस साल 2021 में डिक्लेयर कर दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई TRP का चक्कर नहीं होता। ये अवार्ड्स किसी पान मसाला कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर नहीं किए जाते और ये अवार्ड्स मूवी माफियाज के द्वारा खरीदे भी नहीं जाते, बल्कि उन आर्टिस्ट को दिए जाते हैं जो सचमुच में डिजर्व करते हैं। इसीलिए आज भी नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स की एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी फिल्में और कौन कौन से एक्टर्स नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विनर रहे। रीजनल फिल्म की बात करें तो बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म जर्सी को, बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म आसुरन को, बेस्ट मलयालम फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म कल्ला नोत्तम को, बेस्ट कन्नड़ा फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म अक्षी को, बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म बार्डो को, बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म रब द रेडियो 2 को, बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म गुमनामी को और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को। इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को फिल्म 72 हुरे के लिए और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मलयालम फिल्म हेलन के डायरेक्टर मतुकुट्टी देवेर को। म्यूजिक और बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है तेलुगु फिल्म जर्सी को, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड मिला है मराठी फिल्म आनंदी गोपाल को, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है मलयालम फिल्म जलीकट्टू को, बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए चुनी गई है महेश बाबू की तेलुगु फिल्म महर्षि। म्यूजिक की कैटेगरी में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला है तमिल फिल्म विश्वासम को, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है सावनी रविंद्र को मराठी फिल्म बार्डो के एक रान पेटल नाम के गाने के लिए। तो वही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है बी प्राग को केसरी फिल्म के गाने तेरी मिट्टी के लिए। उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म कस्तूरी को, तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है महेश बाबू की फिल्म महर्षि को। अब आते हैं एक्टर्स की कैटेगरी में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का अवार्ड मिला है विजय सेतुपति को फिल्म सुपर डीलक्स के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला है पल्लवी जोशी को फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए। उसके बाद सबसे आखिरी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए और धनुष को फिल्म असुरन के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। कंगना रनौत का ये चौथा नेशनल अवार्ड है। सो ये है नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 के विनर्स की लिस्ट जो आज अनाउंस कर दी गई है। आपके हिसाब से 2019 की कौन सी ऐसी फिल्में थी, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो नेशनल अवार्ड जीतने के लायक थी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।